दोस्तों ये है 2023 की टाटा हैरियर, जहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी जो है काफ़ी कमाल की दिखती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी का पूरा ही एक वॉक अराउंड लेने वाले हैं। इसके अंदर आपको क्या कुछ चीज़ें मिलती है, क्या कुछ अपडेटेड फीचर्स मिलते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे वैसे आप ये नई वाली टाटा नेक्सॉन भी देख सकते हैं, ये है साइन कलर और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। वैसे आप यहाँ पे हैरियर का भी कलर देख सकते हैं, ये भी बहुत ही यूनिक दिखता है अराउंड, मतलब ऑरेंज कलर क्या ही बोल सकता हूँ मैं, ग्रीनिश टोन का ऑरेंज कलर आप इसको बोल सकते हैं, बहुत ही यूनिक कलर है। और यही नहीं, इसके अंदर और भी जो है काफ़ी सारे यूनिक कलर्स है। अभी ये शोरूम में ये वाला कलर अवेलेबल है, इसके लिए मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ। और ये टॉप एंड मॉडल है। आज के इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें आती है। वैसे तो सबसे पहले तो आप इसको पीछे से देख लेना, बिकॉज आगे थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे डिलीवरी वगैरह का थोड़ा सा काम चल रहा है। सो यहाँ पे आप वैसे देख सकते हैं कनेक्टेड आपको टेल लैंप यहाँ पे पीछे के साइड में मिल जाती है और ये बहुत ही क्रेजी दिखती है। अगेन यहाँ पे हैरियर की आपको बैजिंग मिलेगी। ज़्यादा लुक्स के अंदर बदलाव नहीं है, आपको जो छोटे मोटे चेंजेस मिलते हैं लुक्स के अंदर, बिकॉज एक फेसलिफ्ट है। आपको यहाँ पे रेयर वाइपर मिलता है, डिफॉगर्स मिलते हैं, ऊपर के साइड में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलता है, ऊपर यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया है, ड्यूअल टोन कलर है। नीचे आपको यहाँ पे ये ग्रीनिश टोन वाला कलर मिलता है, ऊपर ब्लैक कलर आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो ड्यूअल टोन कलर में पूरी गाड़ी मिलती है। साइड में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप्स मिलते हैं, जब भी आप गाड़ी स्टॉप करोगे तो यहाँ पे जो लाइट लगेगी। उसके अलावा यहाँ पे भी आपको जो LED टेल लैंप्स मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा कमाल के दिखते हैं। सो डेफिनेटली गाड़ी के अंदर जो काफ़ी जो लुक्स के अंदर अपग्रेड किया है वो काफ़ी बड़ा किया है। यहाँ पे आपको जो पीछे का ये जो रहता है ना बम्पर, वो भी जो ये काफ़ी मस्त मिलता है। पैनो ब्लैक फिनिश यहाँ पे जो दी है और दो पार्किंग सेंसर जो पीछे के साइड में दिए हैं। तो इतनी बड़ी गाड़ी को सिर्फ दो ही पार्किंग सेंसर्स पीछे दिए हैं, ये मुझे थोड़ा मतलब रिस्की लग रहा है। बाकी तो गाड़ी जो है काफ़ी कमाल की दिख रही है। और एक बार मैं आपको जो है सामने से फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको हैरियर की बैजिंग मिलती है, साइड मिरर के अंदर आपको यहाँ पे जो है पैनो ब्लैक फिनिश मिलेगी। अगेन आपको 360 डिग्री कैमरा पहले भी आता था, अभी भी इसके अंदर आपको जो 360 डिग्री कैमरा मिलता है। यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर्स दिए हैं। और अगर हम बात करें फ्रंट लुक्स की, तो दीज आर द फ्रंट लुक्स। यहाँ पे आपको जो ये अगेन थोड़ा सा जो बदलाव मिलता है, कनेक्टेड फ्रंट लैंप्स आपको यहाँ पे मिल जाती है ग्रिल के अंदर, जो आपको काफ़ी बड़ा चेंज मिलता है। नीचे भी आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो इसका बम्पर है वो पूरी तरह से चेंज किया है। हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे जो अगेन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलती है, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स मिलती है, और यहाँ पे अगेन आपको जो ये पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। तो ये कुछ आपको फ्रंट लुक्स मिलती है। डेफिनेटली इस कलर की वजह से इस गाड़ी का जो लुक है वो और भी ज़्यादा चेंज हो चुका है। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी मतलब बड़ा बदलाव मिलता है। सो दिस इज़ द इंटीरियर यार, मतलब कितना कमाल का दिख रहा है। ये जो एलिमेंट दिया है ना ग्रीन कलर वाला, और ये क्या कलर है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत ही कमाल का कलर है। आप जब अपने आंखों से देखोगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये सीट जो है आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलते हैं विद 3 मेमोरी फंक्शंस। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए भी 3 ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब आप 3 मोड में इसको जो है इसका वेंटिलेशन चला सकते हैं। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो अभी तो इस गाड़ी की जो बैटरी है वो डाउन है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो बैटरी जो इसकी डाउन हो चुकी है। बट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो ये स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया है, जैसे कि टॉप मॉडल है वैसे की के लिए भी यहाँ पे अलॉटमेंट दी है, तो शायद से बेस मॉडल वगैरह को आता होगा। देन इंटीरियर की अगर हम बात करें यार, तो ये जो स्टेयरिंग है अगेन आपको ये डिस्प्ले वाला, मतलब आपको यहाँ पे जो टाटा का लोगो एल्यूमिनेटेड मिलता है, जो कि आपको नेक्सॉन के अंदर मिलता था, तो वैसे ही आपको यहाँ पे जो लोगो मिलेगा। स्टेयरिंग आप देख सकते हैं कितना कमाल का यहाँ पे स्टेयरिंग मतलब फिनिश दिया है, बहुत ही मस्त लगता है। लैंड रोवर का जो मतलब अभी फिनिश है ना, वो जो टच है वो इसके अंदर ऐड किया है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो लैंड रोवर कंपनी है वो टाटा ही ओन करती है, तो वहाँ के शायद से इंजीनियर्स यहाँ पे थोड़े से डाल दिए हैं, तो आपको बहुत ही कमाल के टचेस यहाँ पे मिलेंगे। ये जो गियर नॉब है ये अगेन थोड़ा सा लैंड रोवर स्टाइल में है, और जो टाटा हैरियर है ना, ये जो रेंज रोवर डिस्कवरी है उसी के बेस पे बनी है। तो अभी इंटीरियर भी आपको थोड़ा सा उसके तरह मिल रहा है, तो एक आप इसको सस्ती लैंड रोवर डिस्कवरी बोल सकते हैं। काफ़ी बजट फ्रेंडली आपको यहाँ पे जो लैंड रोवर डिस्कवरी मिलने वाली है। फीचर्स इसके अंदर जो है काफ़ी तगड़े तगड़े डाल दिए हैं। ऊपर से आप यहाँ पे फिनिश भी देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे जो ये प्लास्टिक का फिनिश दिया है, और यहाँ पे एक वैसे नक्शी बनी है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक यहाँ पे जो ग्राफी बनी है, एक टेक्सचर बना है, ये काफ़ी मस्त लगता है। 12 इंच का आई थिंक यहाँ पे जो बड़ा सा आपको डिस्प्ले मिलता है, पहले से थोड़ा सा बड़ा ही दिया है। और इसका भी जो फिट एंड फिनिश है काफ़ी कमाल का दिया है। अगेन यहाँ पे आपको जो वूफर मिलता है, स्पीकर्स वगैरह इसके अंदर जो काफ़ी तगड़े दिए हैं। ऊपर के साइड में यहाँ पे जो आपको पैनोरमिक सनरूफ मिलता है, तो अगेन ये पुरानी वाली चीज़ें आपको मिलेगी। जैसे कि आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे होल जो है बने हुए हैं सीट्स के अंदर। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये आप मोड से यहाँ से जो चेंज कर पाओगे, यहाँ पे आपको जो वायरलेस चार्जर मिलता है। देन यहाँ पे AC का आपको जो पूरा कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे भी एल्यूमिनेशन आपको पूरा बैकग्राउंड में मिलेगा, मतलब जो लाइट्स लगेगी ना उससे आपको जो ये पूरा मतलब डिस्प्ले दिखेगा। अभी आपको यहाँ पे जो हल्का फुल्का दिख भी रहा होगा। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो दो कप होल्डर्स यहाँ पे जो दिए हैं, ग्लास होल्डर्स दिए हैं, की आपको पुरानी वाली की जैसी ही मिलती है, यहाँ पे कोई आपको चेंज नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको स्पेस भी जो है
अराउंड सेम ही मिलेगी यहाँ पे आपको, जो ये शायद से कूल बॉक्स मिलता है शायद से, तो यहाँ पे आपको कूलिंग के लिए जो ये एक चीज़ दी है। देन एक वेल फाइव वोल्ट का जो यहाँ पे आपको जो ये एक सॉकेट मिलता है, और एक सी टाइप का भी आपको पोर्ट मिलेगा, तो दोनों पोर्ट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। और 12 वोल्ट का एक डॉक भी वैसे दिया है। यहाँ पे अगर हम ग्लो बॉक्स की बात करें तो काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे ग्लो बॉक्स दिया है। स्टिचिंग भी यहाँ पे पूरी ही ये ग्रीन कलर की दी है, मतलब जो टचेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऐड किए हैं। और मुझे पर्सनली इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी कमाल का लगा। आपको रियर व्यू मिरर जो है ये ऑटो डिमिंग मिलती है, और ये आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर्स भी मिलती है। सो यहाँ पे आप जो ये अपना मुंह वगैरह देख सकते हैं, सिर्फ को ड्राइवर साइड में है, ड्राइवर साइड में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। देन जो विंडोज़ के कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर हम रियर सीट्स की बात करें तो यहाँ पे एक बार मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ। सो वैसे यहाँ पे ये आप 50 लाख कार्स, मतलब 25 इयर्स 50 लाख कार्स इनकी जो सोल्ड हो चुकी है, तो उसकी आप यहाँ पे बैजिंग देख पाओगे। और ये है इसकी रियर सीट्स, तो यहाँ पे आपको जो ये अगेन वही वाला फिनिश एंड टच मिलता है। ये वैसे यहाँ पे जो टेक्सचर यूज़ किया है ना, ये भी काफ़ी कमाल का लगता है। और ये अगेन यहाँ पे ग्रीन कलर का टच। वैसे यहाँ पे आपको इसके अंदर मैन्युअली ऑपरेटेड सन ब्लाइंड्स भी मिलते हैं, तो एक प्रीमियम गाड़ी वाला फील आपको इस गाड़ी जरूर से मतलब दे देगी। JBL के यहाँ पे वैसे स्पीकर्स यूज़ किए हैं, तो उसकी भी आप बैजिंग देख पाओगे। एंड पीछे की अगर हम सीट्स की बात करें तो अगेन काफ़ी कम्फर्टेबल यहाँ पे सीट्स भी है, 5 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और ये है गाड़ी का इंटीरियर, सो काफ़ी क्रेजी है। वैसे और एक चीज़ की यहाँ पे ये जो पीछे के साइड में इसका जो हेडरेस्ट है ना, ये आपको काफ़ी बड़ा मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एयरबैग्स की आप यहाँ पे बैजिंग देख पाओगे, तो ये मतलब वन ऑफ द सेफेस्ट कार में भी आएगी, क्योंकि टाटा की जो ऑलमोस्ट सारी कार्स है वो 5-स्टार रेटिंग के साथ ही आती है। यहाँ पे पीछे आगे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है, एक 5 वोल्ट का जो ये पोर्ट है, एक सी टाइप का पोर्ट है, तो USB और सी टाइप दोनों पोर्ट मिलते हैं पीछे के साइड में। यहाँ से आपका AC का हवा आएगा। और यार मतलब स्पेशियस है गाड़ी, आपको पहले की गाड़ी जैसे ही मिलती है, बस ये जो इंटीरियर के टचेस है ना, उसके अंदर आपको जो है काफ़ी बड़ा बदलाव मिलता है। अगेन ये जो अलॉय व्हील्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टॉप मॉडल के अंदर चेंज कर दिए गए हैं। 18 इंच के आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसकी जो डिज़ाइन है वो आप देख पाओगे किस तरह की डिज़ाइन दी है। थोड़ा सा मतलब इसको जो है पूरा कवर कर दिया है, जैसे कि नेक्सॉन के अंदर भी कवर किया है, तो इसके अंदर भी कवर किया है, तो ये काफ़ी मस्त दिखता है। बाकी तो ऐसे कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, इंजन वगैरह आपको सेम मिलता है, परफॉर्मेंस आपको सेम मिलेगा, वही सारे आपको इंजन ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम ही होने वाली है। और प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर इस गाड़ी की, इस मॉडल की प्राइसिंग डालूंगा, और बेस मॉडल की भी मैं प्राइसिंग डालूंगा, तो आप स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये गाड़ी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से जो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे पर्सनली ये जो कलर्स है ना इस गाड़ी के, मतलब यार वो जो नेक्सॉन का कलर है वो भी काफ़ी मस्त लगता है, और ये जो हैरियर के अंदर कलर्स आए हैं ना, ये भी काफ़ी क्रेजी है। सो ज़रूर से यार आपको अगर एक हैरियर या कोई गाड़ी देखनी है ना, तो आप ज़रूर से अभी 2023 वाला मॉडल ही देखें, पुराने मॉडल मतलब थोड़े आप ये कर दो, क्योंकि इसके जो कलर्स है वो काफ़ी मस्त दिखते हैं। और जब भी ये गाड़ी रास्ते से जाएगी ना, लोग ऐसा देखेंगे कि भाई कौन सी गाड़ी जा रही है। सो डेफिनेटली यही कुछ चीज़ें हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली ऐसे हमसे वीडियो में। तब तक ले, बाय बाय।